ये बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम सुन्नी हो, शिया हो, नासी हो, कादियानी हो, मतलब सवाल शिया हो, शिया हो, शिया हो, आपने जान लिया? अली उद्दीन ने कहा ये क्या है? अब अंजुमन वाले ही फैसला कर रहे हमें लोग सुन्नी है वो शिया। अब आपके जिम्मे बस करेंगे और मुनाजरा शरायते मुनाजरा, चूंकि वो असल मुनाजरा है, असल मुनाजरा है शरायते मुनाजरा। हम अकीदा जानेंगे, फिर अकीदे जाफरी पे हम पूछेंगे क्या क्या अकीदे जाफरी है, उनके कौन कौन सी किताबें हैं और आपके कौन कौन उलमा हैं, फिर आइए मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। आप भी छोड़िएगा सीना, हम भी छोड़िए। इनसे बहुत बताना, कुछ जानना अगर इजाजत हो। हमें जहां तक अभी तक सुना और जानता जाना कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अहले सुन्नत वल जमात, यही अंजुमन भी अहले सुन्नत वल जमात, और जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रहा है उसी पे हम आप सब कायम हैं। अब आप हमसे उम्र में बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, आपने हमसे बड़े उलमा को देखा। इस सरजमीन कर्नाटक पे मुश्ताक अहमद निजामी अली रहमान, और वो भी मेरे पास आता रहा जो अभी सामने बैठा, मगर बड़ा दिल भट रहा है, दिल भट रहा है। आ जाओ, यही चाहता हूँ। बाप बेटे का रिश्ता करके बोलो, कोई इतराज नहीं, मेरा नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुमसे मुनाजरा करूँ मेरे लिए सेब नहीं देता, इसलिए मैंने कहा कि मुफ्ती साहब रहेंगे मैं चला जाऊंगा, वरना आज तक शिमोगा में आपने देखा मकसूद किसी से कमरा बैठो। आज ये अगर वो दूसरा होता तो अलग चीज है। अहले सुन्नत वल जमात, हम लोग सब अहले सुन्नत वल जमात, आज तक सारे बड़े अकाबरीन को देखा, हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, और हम उस हजरत अमीर मालिया रजी अल्लाह तआला को भी मानते हैं जिसको इमाम हसन ने माना, इमाम हुसैन। आज उन्हें काफिर कहा जाता है, मौला अली को बचाया नहीं जा सकता, नहीं बचाया जा सकता, इसलिए कि सुलह किया है मौला। ये बहुत सारी बात है, हमारी क्या औकात है? आज बुखारी पढ़ो, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नजर आते हैं, और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात जिसे हम लोग जानते हैं बरेलवी से, यही है ना बरेलवी, बरेलवी अकायद से, बरेलवी अकायद क्या है? सलाम पढ़ना जायज है, वलियों के मजार पे जाना जायज है, ये कोई अली आला हजरत का अकीदा नहीं है। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत, औलिया अहले सुन्नत, सूफिया अहले सुन्नत का अकीदा, उसको जानने के लिए देवबंदी जब देवबंदी करने लगा तो उसके मुकाबले में बरेलवी कहा गया। छोड़ा सब क्या इजमाई अकीदा है कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला सहाबी है, सहाबी का इनकार किया तो मतलब उनको काफिर कहा, और हम मुसलमान कहते आए, पूरे सब लोग मुसलमान कहते आए, इनका क्या हुआ? क्या ये मुसलमान बचेंगे? सिक्रेटरी साहब बचेंगे? हम बचेंगे? हमारी बीवी का क्या हाल होगा? बच्चों का क्या हाल होगा? आसान नहीं है शरीयत की बारी में, हम उसको भी इसलिए भी कुछ नहीं कह रहे हैं, और ना फोन किया, फोन इनके बनो ही को किया, ये क्या हो रहा है? हम तो कभी देखा ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा तुम जाके बोल रहा है, काफिर बोल रहा है, शिया ने भी काफिर नहीं कहा ना लिखा, भी जुरात नहीं हुई है, मगर शिया रहता तो मकसूद इतना आसान नहीं होता। अब हम इजाजत हो तो पूछूं अलीम से, शागिर्द कहा, ये बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम सुन्नी हो, शिया हो, नासी हो, कादियानी हो, मतलब सवाल है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, हाँ जवाब, हाँ नहीं,
मैं ये कहता है जाफरिया का मानने वाला हूँ और मैं शिया भी नहीं। पहले सुन्नत से तौबा किया है, पहले तशय्यु कबूल किया है। अगर आपको तमाम उलमा अहले सुन्नत को अगर ये बात पसंद है तो इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाई जाए, वरना आप पहले से कबूल करते हैं। पहले तशय्यु और अहले सुन्नत कितना फर्क है। मैं शिया हूँ शिया हूँ शिया हूँ। आपने जान लिया अयुद्दीन ने कहा ये क्या है शिया है। अब अंजुमन वाले ही फैसला कर रहे हैं हमें लोग सुन्नी है वो शिया। अब आपके जिम्मे उलमा इकराम इल्मी बहस करेंगे और मुनाजरा शरायत मुनाजरा चूंकि वो असल मुनाजरा है, असल मुनाजरा है शरायत मुनाजरा। हम अकीदा जानेंगे फिर अकीदे जाफरी भी हम पूछेंगे क्या क्या अकीदे जाफरी है, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं और आपके कौन कौन उलमा हैं, फिर आइए मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। आप भी ठोकिएगा सीना हम भी ठोकेंगे। आप सुनिए बोलिएगा अंजुमन बात कर सकता हूँ भाई क्या है बोले तो जो मेरे गाँव में मसला चला वो मसले को लेकर जो माविया के ताल्लुक से हमारा मौजूद है मुनाजिर भाई मुनाफी कहते हैं माविया ना मत के मुनाफी कहते माविया। मैं भी मेरा जुमला जो था आपसे वो बोल रहा हूँ तो मतलब वो आपको रजी अल्लाह कहना है अलान तुला कहना फैसला होने के बाद आज जो बुलाया गया मसला मतलब मौजूद है जो मेरा मौजूद है मैं मौजूद बोल रहा हूँ अजीम साहब के साथ में जो है हम नवा आके हैं और यहाँ जो है मोहम्मद दूसरा नाम जो है मोहम्मद शाहिद है तो आपका सिलसिला जो है किससे आपकी शिया ठीक है और तीसरे अब्दुल रहमान सना हुसैन साहब तो आपका तो आपका सिलसिला आपके कौन से सिलसिले से जाफरा सिलसिला का है मैं जाफरा सिलसिला का मैं ही सौ और शिया मैं शिया 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 चौथे जो है वैसे ताज प्रसाद कौन सी बात कर बीच में कौन सी बात कर रहा है क्या अंजुमन सवाल कर रहे हैं उनको हमने ये होना था उन्होंने बोले सही बात और चार जने हैं यहाँ अब मुझे उनका कौन सा फिरका कौन सा मसला वो हमना होना तो इसलिए जो है चौथे जाफर शरीफ सन्ना दादा साहब शिया है तो आप पूरे जो है चार नाम लिखो भैया हमारे हाजरी में मेहरबानी अटेंड नहीं करना। पांचवी जो है ख्वाजा वली सन्ना नूरुल्लाह साहब आप किससे बिलोंग करते हैं उस सिलसिले से शिया ठीक है तो हमको ये आज जानना जरूरी था अलीम साहब के साथ में हमनावर जितने भी आए हैं वो किनसे कौन से सिलसिले से किस्मत क्या है तुम्हारी वो हम जानना चाहते थे इसलिए जो है सामाइन के सामने आपको पूछ लिया मैंने जो आगे की कार्रवाई हमारे मुफ्ती अकरम अहले सुन्नत वल जमात उनको मौका है इजाजत है आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं हम इजाजत देते हैं आपको आप जो पूछ रहे हैं आप पूछिए। जाफरी याद रखिएगा फिरके जाफरिया अलग है इमाम जाफर रज़ियल्लाहु तआला का अलग माने जाफर इच मानने वाले हम भी मानने वाले हैं लेकिन भैया ये बता रहा हूँ जो फिका जाफरी आप कह रहे ना फिके जाफरी को आप मानते हैं ठीक है मगर अकीदा भी जो है अकीदा जाफरिया के तो काम कायल है आप तो फिके जाफरी को मानते हैं वरना फिके जाफरी वो फिके जाफरी जो इमाम जाफर रजी अल्लाह तआला ने बयान किया है लिखा है उसे भी मानते हैं बेशक। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला इमाम बाकिर और इमाम जाफर दोनों के शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी पता होगा मुझे भी पता है कुछ कुछ शायद आप ज्यादा जानते हो उनका पॉलिटिकल का तो ये को हंसने और हमें
हंगामा करने की नजर ना करें। जो बात हो रही है, वीडियो जो बन रहा है, इसे हम नाजायज और हराम समझते हैं, लेकिन इसमें कतर बयान करके जो अहले सुन्नत के उलमा पर इल्जाम तराशियां की जा सकती हैं, और ये ना हो कि हम नहीं आए इसलिए यहाँ पर हम डटे हुए। आप हजरात से मेरी मौतवादा गुजारिश है कि हम सब नहीं बोलेंगे, मुफ्ती मखसूस साहब मेरा बात कर रहे हैं, बात करेंगे। आप लोग हंस करके कुछ चीजों को दिल में इंजॉय कीजिए, जबान से निकाल दीजिए, सामने वाले को बोलने दीजिए और उनकी बात मुकम्मल हो तो इधर गुफ्तगू हो। दूसरी चीज, ऐसे आप बात करेंगे तो रात के 12 बजे उनकी बात कहने के लिए उन्हें 5 मिनट का टाइम दीजिए, बात मुकम्मल हुई तो ठीक वरना खामोश हो। इधर से बात करने के लिए 5 मिनट का टाइम रहे, बात मुकम्मल हुई तो खामोश, वरना होगा क्या कि हम रात भर बात करते रहेंगे, हम अपनी नंतरानियां और कहानियां सुनाएं, कोई ऐसी बात करें जिससे इमोशनल ब्लैकमेल हो, ये चीजें नहीं चाहिए। अब यहाँ अकीदे की बात चल रही है, उस पर बहस हो, तो वो जो कह रहे हैं किताबी सुन्नी हूँ, अकीदतन शिया हूँ, जो भी है, एक चीज तो पूरे भद्रावती के सामने वाजे हो गई कि उन्होंने अपने आप को शिया कहा, बात वाजे हो गई। अब आगे के जो मामलात हैं, शरायत खुद वो कह रहे हैं बाद में तय किए जाएंगे, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जो उन्हें इस महफिल में तय करनी होंगी। हाँ, मुफ्ती मखसूस साहब जिंदा से मैं गुजारिश करूंगा कि उनका तोड़ देने, और आप जो है जो पहले जो कुछ हो चुका, तकरीर हुई, खत्म हो गई, आपका उस पर ऑडियो आया, वीडियो आया, उसके बाद के सारे मामला हुए, फला नहीं है, कहा फला नहीं, वो कहा फला नहीं, अगर आपने वीडियो न जारी की होती तो कोई मसला ही नहीं खड़ा हुआ होता। तो इसलिए वो पीछे की बातें जाने की कि इस वक्त जो आपने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान में जो कहा, उस पर बात हो, और उसके बाद अपने अकीदे और किताबों के मुआविले की गुफ्तगू हो। मुफ्ती मसा आप बराए मेहरबानी आप में से कोई ना खड़ा हो और ना हंसे, बराए मेहरबानी, अगर हमको किसी नतीजे ये लेटर, इस लेटर में ये दावा अमीर मुआविया ये है, अब चूंकि मैं सब खुला नहीं बोल रहा अमीर मुआविया ये अपने मुआविया का जो आप कहें पहले दायमी जहन्नमी और वो काफिर है, सहाबा नहीं, इब्तिदा से सहाबा नहीं है या दरमियान में सहाबा नहीं है, ये दोनों ही। और एक यही मौजूद मुनाजरा शरायत नहीं, आप अपना अकीदा और सुनी अहले सुन्नत वल जमात की किताब वो हमारे लिए हुज्जत होगी, मगर आप अपनी किताब बताएं जाफरी, फिर के जाफरिया की भाई, आपको अपना अकीदा हम जानेंगे ना कि आप जाफरी अकीदे आप हमारे किताबों से अहले सुन्नत की किताब से हम दिखा रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि शिया की किताब से आप मावरिया की फजीलत दिखाएं, तो आपका भी फर्ज बनता है। अच्छा चलिए ठीक, शिया कोई शिया की किताब, हाँ ठीक है, ठीक ठीक हो गया ना असद सर, सदर साहब हो गया, शिया की किताबों का हम हवाला देंगे भाई। हजरत मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बात जो गुफ्तगू होती फाइनल जो होता है सुन्नत ही पे होता है, मतलब आप बार बार कह रहे हैं कौन से किताबें कौन से किताबें, नहीं तो आप तो आपका अकीदा जब जाफरी है तो हम कलाम जाफरी अकीदे के मुताबिक न करेंगे, तो पहले ही बता दिया था ना हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैं आपसे तवज्जो बिल्कुल सुन रहा, जो आप कहा है आपके कहने के मुताबिक जो है आज दो ही बात होगी, मतलब शरायत मुनाजिरा होगा, कौन सी तारीख में होगा और कौन से उलमाए काम आएंगे और कौन इसका चीफ गेस्ट रहेगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर ही गुफ्तगू होगी। मैं मोहम्मद हिकमत शाह मुफ्ती बार बार अब्दुल अलीम का कहना है कि मेरा मौजू ये है और उस पर मेरा बात है, आप शरायत मुनाजिरा तय करने के लिए आए हुए, शरायत मुनाजिरा तय आपका लूंगा और एक दिन का टाइम क्या था क्यों बोले तो जो हमारे मुनाजिर हैं वो दूसरे हैं,
मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको मालूम नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सदर साहब ठीक है, आप इतना मेहरबानी से चुप रहो, अब्दुल अलीम साहब आपका दावा है हजरत अमीर मुआविया नौज़ बिल्लाह दायमी जहन्नमी है, ठीक है? आप ये खुलूद फिर नार बता रहे हैं या दुखूल फिर नार बता रहे हैं? वो शरायत मुनाजरा जो तय करने के लिए आते हैं, जो हमारे मुनाजरा आते हैं वो तय करेंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो आपने जुमला कहा है दायमी जहन्नमी है, इसकी मीनिंग बताओ। दायमी जहन्नमी होने का बोला ना जाए, बोला समझ नहीं आया। मौजू तय करना मौजू है क्या? हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में होंगे या एक आन के लिए जहन्नम जाएंगे या दिन दो दिन के लिए जहन्नम जाएंगे, चार दिन के लिए जहन्नम जाएंगे? मौजू मालूम होना चाहिए। टॉपिक क्या जहन्नमी है, कैसा जहन्नमी, हमेशा हमेश का जहन्नमी या टेम्पररी? आप जो भी तय करेंगे इंशाल्लाह दावा आप कर रहे हो और मैं तय करूंगा। मैं तो जहन्नमी नहीं मानता, मैं क्यों करूंगा उसे? आप बताओ कि आप उनको दुखूल फिन्नार मानते हो या खुलूद फिन्नार मानते हो? समझ में नहीं है। एक बात मेरा एक ही तक उनको है, शरायत मुनाजरा दो एक दिनों का। बात करते समय तुम्हें क्या जी बोल रहे हैं? और एक दिन के बाद में आपको वीडियो के जरिए लगा के हमारे जो मुनाजिर आ रहे हैं, जो बात आप बोल रहे कम से कम उसकी मीनिंग तो मालूम होनी चाहिए ना। नहीं अगर भाई मालूम किस चीज का दावा कर रहे हो, किस चीज का दावा कर रहे हो? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो बोल आपने ये बात कही कैसे? जब आपको यह मालूम नहीं कि हमेशा की आपके समय में अरे बात से छोटा हूँ, लेकिन मैं बात दावा कौन सा है आप मुतय्यन करोगे ना? ये जमीन मेरी है, ये जमीन में ये शामिल है कि नहीं, ये शामिल है कि नहीं, ये जमीन आपकी है, विरासत में आई है, खरीदी है। भाई जमीन तुम्हारी है, उनको दावा किया होता है, उसके बाद में तय किया जाएगा ये है ये है ये है, बाद में तय किया जाएगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मुआविया हजरत मुआविया के जहन्नमी होने का आप किस बात का अंदाजा नहीं? कोई भी जरूरत जहन्नमी है या बिद्दवाम या बिल मशरूत के लामा नहीं मालूम आपको? हमारा मुनाजिर नहीं है, बोल रहा हूँ बार बार फिर आप बात वही दो। आपके पास वो कौन किताबें हैं जिससे हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी होना साबित करेंगे? बहुत सी किताबें हैं। जब अहले सुन्नत आपके नजदीक काफिर है, अमीर मुआविया को जो लोग मुसलमान मानते होंगे आपके नजदीक वो काफिर है, तो अहले सुन्नत को तमाम काफिर हुए ना? पहले ही बता रहा हूं, किताब से आप कैसे लाओगे? पहले ही जुमला मैंने आपको कहा था मैं फिताई जाफिया का मानने वाला हूँ, मैं शिया हूँ, बल्कि आप मुझसे बात करने तैयार हैं जी? हाँ, अगर बात करने तैयार हैं तो आप अपना अकीदे के हिसाब से शराइत दीजिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मैं आपके अकीदे से बता रहा हूँ, आप जो है नी फिरके जाफरिया के मानने वाले, आपके पास किताबें वो कौन कौन सी है जिससे दलील लाओगे? की किताब से देता हूँ अहले सुन्नत का। अब हजरत गौसे पाक की किताब मानोगे? हजरत गौसे पाक की किताब मानोगे? सिया की सही हदीस, हदीस हसना ही मानोगे? पाक की नहीं मानोगे? गौसे पाक की नहीं मानोगे? हदीस तो कुरान और हदीस बस जवाब दो ना। पाक की किताब नहीं मानोगे आप? में आपको क्या समझाया गया? आपको क्या समझाया गया? मरतबा आने दो, जाने दो, कोई मुश्किल नहीं, बैठो। आप इतना समझ ले, सुनिए मेरी बात, हर आदमी जो है मत बोले। देखिए इन्होंने ये लिख दिया कि बोल दिया तकरीर में कि हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है माशाल्लाह, मगर इनको ये नहीं पता है कि वो कैसे जहन्नमी। तब सवाल ये पैदा होता है ना, किस किताब से बोले हो? उनको किताब का भी पता नहीं, अपनी किताबों का नाम नहीं मालूम, मुनाजरे में आए तो आप लोग ऐसा है एक मिनट, आप उन सवालों का जवाब दीजिए तो आपसे सवाल किया जा रहा है।
जब मुनाजरा होगा तो आप कौन सी किताब लेकर आएंगे वो बात की बात है। अभी की मौजूदा एक वीडियो का एक हिस्सा आप बोल रहे हैं, हमने वीडियो में बात कहना कह दिया है, कोई बुजुर्ग को मानना या ना मानना उस पर बहस नहीं हो रही है। मेरी सेवा की किताब मान रहे हैं, राजा की किताब मान रहे हैं, ये बात नहीं, कुरान और हदीस दो ही पे बहस होगी इंशाल्लाह। वो ठीक है, अभी आप जो है आपको आपने जो जुमला इस्तेमाल किया, आपने जो जुमला इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हंगामा खड़ा हुआ है, उस जुमले के मामले में जो आप मौजूद लिख करके देंगे उसके ताल्लुक से अपना मौकिफ आप साबित कर दीजिए पहले। अब मैं नहीं बात करूँ, एक एक बात याद रखें, बात एक आदमी करेगा, हर कोई बात ना करे, बराए मेहरबानी। मामला उलझ जाता है, कितनी अहम बात चल रही थी और आपके हंगामे को नजर हो गई, इसलिए मौजू के ताल्लुक से जो सवाल कर रहे हैं मुफ्ती एहतशाम साहब इनको से सवाल करेंगे, मौजू तो इसी वक्त तय होगा, लेकिन जिसने जो जुमला इस्तेमाल किया है वो खुद अपने मतलब को समझे। आप कोई बराए मेहरबानी बोलने लगे इधर आ जाओ, क्या पढ़ लिया गाल के लगा अब जो आपको पूछना है रिकॉर्डिंग जो हो रही है और हमको यहाँ क्या भी लिखना नहीं है, जो हो रहा वो हो रहा, ब्राय मेहरबानी जो उन्होंने तुम्हारा पूछ रही 5 मिनट का वक्त आपके सवाल को और जवाब को भी 5 मिनट का वक्त, अगर और सवाल करना है तो फिर दोबारा आपको किसी को भी 5 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। अगर आपको जवाब देना है 1 मिनट हजार दे रो, जो पूछ रही ना बोल रो, जो न पूछ रही उसका सवाल अगर तुम्हारा मालूम है, मालूम है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है 1 मिनट, 1 मिनट अगर तुम्हारा बोलना है सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो मांगना करो ना, वो उनको बोलता लो हम पूछो जो भी मैं बात कर लूंगा ना, बोता करो उन्होंने भी मैं 1 मिनट, उन्होंने भी 1 मिनट, उन्होंने बोल रही से पूछे तो अंजुमन की क्या है, बात करना है नहीं बात करो, हटाइए और किसी से भी ध्यान तक अंगे नहीं जाना। अहले सुन्नत वल जमात नौजवाना कोई भी हो यहां तक नहीं जाना हमने, और तुमने जो फिरना या तेरे फिरना ना, अगर वहां जाकर के करना रहा तो फिर यहां नहीं आना। अब बात करो, आज हमें एक आम इंसान हमें मुफ्तियान हमें ये सवाल इनो हमारे मुफ्तियान थे ना जब उनसे बहस इनो करना तो यह वास्ते हमने 11 तारीख को यह करी जो भी सवाल करे हमारे मुफ्तियान से करना, हमें आए तो खाली वक्त लेने 11 तारीख को कहना ये वजह से इनको बात करने हैं, इनका क्या खाली माविया के बारे में बात करें ना, ये हमारा स्पष्ट बात होना दूसरा बात आना नहीं, इधर जो भी बात करना हमारे मुफ्तियान से आते ना चक्कर ले दे ये वो हमने पूछने का ये हमारे मुफ्तियान हमें और तुमना जो है ना उन्होंने बात करते टाइम को वो बोल रहे थे ना अब बोलो क्या बोलो अब बोलो आज चार अपने जो आई फोन भी चार के चार के मुफ्तियान को लेकर पहली बात अगर सवाल जवाब की जो बात है 11 तारीख को दे पाएगा आपके जो है ना 1 मिनट हमें एंटर ही छोड़नी थे अंजुमन 11 1 मिनट पीछे 1 मिनट गांव में जो हो रहा वो देखो अंजुमन वाले एंटर फिर हो करो उनके दरमियान में नको अंजुमन के दायरे में होंगे नको, मेरी गैर मौजूदगी अच्छी, मैं 15 दिन बेंगलुरु में रहा, इसके दरमियान में जो है ना हम ये कह रहे हैं हमारे अंजुमन कारनामा अंजाम दी, तो पहले जो है ना मुनासिरा 11 घंटे 11 तारीख को करो तुम्हारे तरफ से मादा ले टेबल अपनी 11 तारीख को 11 तारीख को करदा ना भी हमने फोन भी है ना करो 11 तारीख को चुकाना को
ये आर्डर है ना, नहीं 11 को होता कि सभा होता कि 12 को होता कि अंजुमन वो तय कर दिए। मेरी बात सुन लो तमाम मसाजिद इतफाक नहीं, अब तमाम मसाजिद के अराकिन को बुलाएं आप, थोड़ा सा मेरे जबान थोड़ा नुकसान है, माफी चाहिएगा मेरे दो ढाई महीने से इस वास्ते, जरा उनका भी एक राय पूछ लो क्या वास्ते, जरा दो मिनट मौका, क्या हो गया वो क्यों बैठे, तो बस तुम लोग कर रहे माशाल्लाह, उलमाए इकराम बैठे हैं, उलमाए इकराम हमारे हैं, नायब रसूल हैं, जब ये बोलते हैं तो जबान कलाम अल्लाह का होता है, रसूलुल्लाह की होती है, जबान इनकी होती है, ये दो चार लोग अभी एक पासी का शेर है जिन्हें मां क्या है सादिया शेरा दिया पंदे मगो कमजा जरा कमजा तो शाखिब शवर गर्दन जरा उस्ता जरा, लेकिन आप लोग कहाँ रहना चाहिए था, अब वो लोग तितरे चूचू हैं, अब वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तय करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन एक बात ये मुनाजरा बोलो ना होना बात अलग, अंजुमन कमेटी जो तय करती है हम उस इतफे से, लेकिन फिर भी हमारे उलमा कराम बात सही है, अभी मौलिया रजी अल्लाह तआला ने बिल्कुल है सवाल ही नहीं, अब उसकी उसके लिए अब उन लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बदल रहे दो मिनट बोलता हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं है, अब उन लोगों को कुछ हमारी तरफ से करके प्लेटफॉर्म बनने के लिए जगह हो रही है, जहाँ तक हो सके इसको मुमकिन है न करे तो बेहतर, मेहरबानी फरमा को यहाँ अमन मोहब्बत और हमारे बुजुर्ग हमारे उलमा यहाँ ये सुन्नत और औलिया इकराम ये सिलसिला और हमारे अंदर के खामियां को हमारे अमल फॉलो नहीं करने की वजह से आज मैं हम बीच को फॉलो करदा रहते तो मानिस मत, खामियां हमारे अंदर है, अगर वो खामियां हट जाते तो और दूर की बात हो जाती हमारे में, हमारे में खामियां रख ले तो यही पहले हर अंजुमन अदारा जो है आज मैं हूँ, कल हो सकता आप में से कोई भी हो, असल साहब अदारा अली मौलाना साहेब ये आप भी जानते अदारा जो है और हमें यहाँ बाप खुदा मस्जिद में हूँ, कुरान पाक की कसम दिखा के कहता हूँ, अल्लाह अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूँ, सहाबा करम का मानने वाला हूँ, गौसे पाक का मानने वाला हूँ, औलिया करम का मानने वाला हूँ, चार किताबों पे मेरा ईमान है, कुरान पाक पर मेरा ईमान है और फरिश्तों पर ईमान है, मरने पर ईमान है और जीने पर भी मेरा ईमान है और तमाम औलिया अल्लाह का मानने वाला हूँ जो यह सिरात अल मुस्तकीम के रास्ते पर जो चले और प्रश्न ही बोल रहा और तमाम सहाबा करम का मानने वाला हूँ, रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर माविया रजी अल्लाह तआला का मानने वाला हूँ, इसलिए सुलह हो गई थी हजरत अली से हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, आज भी से और किताबी से जो है वो सुन्नी बोल रहा और जो बोलना है वो बोल रहे, हमको इसमें जो है ना डिसाइड कर दो अंजुमन को तुम्हें क्या किधर, वो हमें डिसाइड आज नहीं लेते, मुनाजिरा जिस महफिल पे होगा, मुनाजिरा जिस शरायत होंगे जब वो होगा उस वक्त जो है ना सही को गलत को उस वक्त कहा जाएगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है, मेहरबानी फरमाकर आप जो है ना आए हैं पहले क्या होना था सुनो, पहले हमना होना था सोचा किताबी दुनिया से सुन्नी कर को बोले, वो जो है ना हमारे उलमा है सुन्नत जो है ना वो डिसाइड करते है अपना तालीम वो होना कर को बोले तो
मुनाजिरे की होना चप्पो बोले तो जिंदगी में अफवाह साहब को काफी का फतवा देखो अंजुमन अदारा जो है बैकअप बैकअप कर सकते ना दोनों के जरिए से बैकअप कर को इनका लेन देन नहीं करना सलाम पयाम नहीं करना अंजुमन अंजुमन अदारा एक मिनट अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीन अदारा अहले सुन्नत वल जमात के भद्रावती के तमाम जिम्मेदार और तमाम मसाजिद के आइमान कराम और जो यहाँ पर आए हैं इसकी जो है ना बंदोबस्त करना हमें बंदोबस्त करना गो में पहले सुकून अमन और उसमें मालूम होता सही यही दिन सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता हमें जारी नहीं तुम्हें जारी वहां है ना पुलिस को लेना पड़ता वो जो है ना पूरे लोगों को है ना स्क्रीन लगाती डिसेट जिस दिन होता अलमा अगर तुम्हारे में अगर दावा हो को अगर आ गया अगर पूछे तो मुनाजिरे में तो इंशाल्लाह ताला वो साबित हो गया तो हम उसकी जो है ना इंशाल्लाह पूरी तरह से इंशाल्लाह देखें एक मिनट जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ छोटी बात नहीं बोल रहा अगर उस दिन मुनाजिरे में डिसाइड हो गया ना इंशाल्लाह ताला उस वक्त मालूम होता आज जो यहाँ मालूम हुआ लोगों को आज और उसमें हमारा क्या भी वहां खुदा मस्जिद में हो तुम्हारे उसमें जाने में मंजिल क्या भी जरा जाना उसमें क्या भी मंजिल खुशी भी गम भी नहीं है वो तुम्हारा ईमान खबर में तुम्हें जवाब देने वाले सवाल को जवाब देने वाले तुम्हें उसे मंजिल क्या भी लेना देना नहीं है मगर मैं सुन्नी होने के नाते मेरा तालुका जो है ना उस सिलसिले से शिया से मेरा नहीं इसमें क्या देने मेहरबानी से हमें नहीं ले ले पाए इतने सवाल को है ना उनको क्या मालूम नहीं है हमारी भी अल्लाह की देने आती अपना मुनाजिरा करके चुनो रखी सो सब्जेक्ट फिर जो सवाल को रहे उन्हों मान ले हमें उसके सवाल ने तैयार नहीं समझ में आया नहीं हम ना है ना तारीफ बोलो मुनाजिरी की हमें है ना उनके अकाबिरन को उन्होंने लगा दी अभी अकाबिरन को तबले लगा दी अब जो तुम्हें पूछ ले हमारे जो वीडियो चलिया और उसमें से सवाल जो पूछ ली अपनो मान लेते मालूम वो वास्ते जो है ना हमें आ रही सो मैं यहाँ आई सो मुनाजिरे की तारीख कब होनी सुन ले वो जाने को आई सो करो ना बोल ले बोलो सदर साहब मैं अंजुमन से और यहाँ की तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान से गुजारिश ये करूँगा कि हम लोग भी बहुत मशरूफ होते हैं और बहुत सारे काम करते हैं हमें ये मालूम था अब्दुल अली जो ये है कि सुन्नी है खुद को सुन्नी कहते हैं और उन्होंने ऐसा जुमला सगिरना अमीर मोहल्ला की शान में बका है और नतीजा ये है कि वहाँ नौजवानों में और लोगों में एक तरह का प्रशार है
तो इसलिए हम लोग यहां पर आए थे। अब जब ये साबित हुआ कि वो शिया यहां उन्होंने जारी कर दिया, तो और दूसरे ये कि वो खुद कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम, तो आप ये जानते हैं कि कोई भी गुफ्तगू और कोई भी बहस मुकाबले वाले से होती है। अब एक जाहिर अगर उससे बहस करे तो उससे बहस करना मेरी जो है बेइज्जती है। अब जमात और अंजुमन ये तय करे, फैसला करे कि आया उससे वो मुनाजरा करना करवाना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप बहुत मेरी गुफ्तगु अलीम साहब से भी नहीं है, आप लोगों से भी नहीं है, मैं अंजुमन के सदर साहब से बहुत ही उत्ता और बहुत ही बेहतर गुफ्तगु की, और इससे अंदाजा लगा कि इनको अकायदे अहले सुन्नत का कितना बड़ा नॉलेज है। अल्लाह सलाम। अब सिर्फ ये है कि अब आप ये डिसाइड ये कर लीजिए कि क्या इसे बहस करनी है, तो इन्होंने खुद कहा कि ये बहस के लायक नहीं है। अब ये दूसरे को लाना चाहेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि यहाँ बहस व मुनाज़रा हो इस ताल्लुक से? अब मुफ्ती निशान साहब बात करें। मैं मोहम्मद जुबैर रजवी अजाली, इतनी सारी गुफ्तगू हो गई हमारे मुफ्तियाने इकराम ने इसे गुफ्तगू कर ली, यहाँ पर तीन चार बातें साबित हुई हैं। पहली बात तो ये साबित हो गई कि ये लोग शिया हैं, राफ़िज़ी हैं। दूसरी बात इनकी ये साबित हो गई कि ये हजरत या मेरे मावे को काफिर मानते हैं, इनका दावा है। तीसरी बात ये साबित हो गई कि ये काफिर के साथ साथ उनको दाइमी हमेशा जहन्नम में मानते हैं। तीसरी बात, चौथी बात ये भी है कि ये शराइत तय करने आए। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें तो शराइत तय करने का पता भी नहीं, तुम्हें ये भी नहीं पता कि शराइत का शीन छोटा है कि बड़ा। अब मुझे ये बताओ कि आप जो शराइत हमसे तय कर रहे हैं, या आपके आने वाले जो उलमा हैं वो आपकी बात को मानेंगे या वो फिर से तय करेंगे? आप ही बताइए, सुन लीजिए बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, आप जो आए हैं शराइत तय करने के लिए, ये मैदान मुनाजरा है, ये खाने के आलू नहीं है कि जैसे चाहे उल्टा सीधा खा लिया, यहाँ बड़ा सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। अभी आप ये बताइए कि आपने उनको काफिर माना, इस बात को वो भी मानेंगे या नहीं? आपने उनको दाइमी जहन्नमी कहा, आपके उलमा इस बात को मानेंगे या नहीं? आपने अपने आप को गरीब नवाज के दर का गधा कहा, आपके उलमा उस बात को मानेंगे या नहीं? ये बात बताइए। और जो शर्तें हम आपको लिख के देंगे वो सारी शर्तें वो तुम्हारे उलमा मानेंगे या नहीं? अगर ऐसा ही होता रहेगा शराय, अगर ऐसा ही होता रहेगा कि साहब वो उलमा के फिर चेंज करेंगे तो उलमा इकराम हमारे मुफ्तियाने इकराम काफी बिजी है, मसरूफ है, तो इस तरह से नहीं चलता। तो आप अपनी साफ साफ बात बता दीजिए कि आप ही मुनाजरा करेंगे, कौन मुनाजरा करेगा, वो दोबारा शर्तें शराय तय होंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे ऊपर फर्ज ये है कि सूरज को कोई ये कहे कि सूरज है ही नहीं तो उसका तो जवाब कोई होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें उसकी आंखें खोलना तो जरूरी है। तो तुम्हारी आंखें खुले ना खुले, लेकिन हम अपने अहले सुन्नत वल जमात कौम को ये बताना चाहते हैं कि अमीर मुआविया हो या कोई भी हो, अहले सुन्नत का एक एक अकीदा कुरान और हदीस से साबित है, एक भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। अच्छा, और फिर तुमने जो ये कहा तीसरी चौथी बात जो तुम्हारी ये साबित हुई, तुमने ये कहा कि अमीर मुआविया को हम जहन्नमी मानते हैं अहले सुन्नत की किताबों से, यही कहा ना आपने? और आपने ये भी कहा कि आप अमीर मुआविया की शान में शियों की किताबों से हदीस पेश करें, ये भी आपने माना। अभी कहा ना आपने मुस्लिम एसोसिएशन से अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप शियों की किताबों से अमीर मुआविया की शान पेश करो, कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा तो इन्होंने, कहा तो था हिम्मत मकसूद साहब का, मेरा और शागिर्दाना उस्ताद और गुफ्तगु थी, कहीं नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस। आपने ये कहा एक कुरान और हदीस, एक मिनट कुरान और हदीस बस, और कोई बात नहीं। आप सुनिए, आपने ये कहा, आप तवज्जो फरमाइए, कुतुब अहले सुन्नत और कुरान बस। आपने ये कहा कि कुरान और कुतुब अहले सुन्नत से आप अमीर मुआविया को जहन्नमी और काफिर होना साबित करेंगे,
फिर आपने साथ में ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो आप जो है शिओ की किताबों से उनकी शान पेश करें, ये उन्होंने कहा था, आपने कहा था या नहीं कहा था? नहीं, आपने ये सिर्फ कहा कि जाफरी किताबों से आप हवाला देंगे, हमने कहा वो किताब और अकीदा बताए, बस इतना कहा था। ये हिम्मत उम्मत ने कहा तो नहीं करा। दूसरी चीज, बार बार तुम्हें एक चीज बोल रहे हो, हमला इन्हें काफिर का, हमला उन्हें काफिर का, इसलिए मुनाजरा हो, तुमने इन्हें काफिर का, उन्हें काफिर, और तुम्हें सबको काफिर कह, तुमने सब ऐसा बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अमीर मालिया को एक मुसलमान को मुसलमान मानना जरूरत के दिन में से, और एक काफिर को काफिर मानना जरूरत के दिन में से। एक काफिर को अगर कोई मुसलमान माने तो वो काफिर हो जाता। और हमारे मुखिया तीन क्या बोले उन्हों, तुम्हारा मुला था ज्ञान है, तुम्हारा कौन भी नहीं, वो वीडियो इनका है, वो वास्ते हमारे आली मान में बोली उन्होंने आती बात है तेज, हमारे आली मान तुम तय करो 11 तारीख को अगर बोले थे उनसे बात करो, हमना आता नहीं है आली में जो मुखिया आते तो मैं मिलता उनसे बात करो। वो जुम्मा जुम्मा बहुत अच्छे से बोल रहे नहीं करने वाले बात मेहरबानी आज असर की अजान 5:15 और जमात 5:30 इंशाअल्लाह। तमाम मुख्तार इकराम से आईडी से खेल से गुजारिश है और चाहे हमें दूर से आने का मौका तो अंजुमन को गुजारिश करे थे 11 तारीख को घर को अंजुमन होने से बाद से हमारा सरपरस्त उन्होंने बोली तुम्हारा आज भी चल रहा अंजुमन जी सलाम के बाद सबसे पहला दिन जो आधा घंटा पहले बना था मुखिया करके, अगर सिया के साथ पहले दिन में चलना गुना दुआ करने के लिए तैयार है तो हमारी गिफ्ट की तारीफ थी और तारीफ को मुस्तफा खान साहब बोले तुम्हें बोले तक नहीं होता करते, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात से हमें सहमत थी। अंजुमन जो देखते हैं उनसे मोहतिमाना गुजारी तरह देरी दे को बोल को, और देरी देने के पहले 2 दिन के पहले हमें जो मुनाजिर हमारी तरफ से आ रही या आपकी तरफ से आ रही इंशाल्लाह अंजुमन से देखो आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल के जरिए से कि क्या बोले नहीं शराय के मुनाजरा तय करने के लिए अब बोला मुफ्ती साहब मुफ्ती मुफ्ती से शम साहब बता रहे मेरा दोस्त अभी बात भी नहीं जो शराय के मुनाजरा तय करने के वास्ते जो थोड़ी टेंग जरूरी उसके 2 दिन पहले इंशाल्लाह वीडियो कॉल के जरिए से या इसके जरिए से जो है जो मुनाजिर तुम्हारे आ रही उनको उनको आमना सामना करा के इंशाल्लाह शराय मुनाजिरा तय करके आप चलते रहेंगे इंशाल्लाह होते घर को बोले के बाद तारीख को भी देते इंशाल्लाह तुम्हारे के पास नहीं करा आप मुझे मेरी कुछ बात सुन ले ताकि जो रिकॉर्ड हो रहा है सही से रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है ऐसा है लाइट पर
एक चीज मैं अंजुमन से बताता हूँ, हमने पहले यहाँ के मामले हमने आपकी तरफ कर दिए कि हमने सुनी समझकर इस राह के लिए यहाँ तक कदम उठाया। जब पता ये चल गया कि वो शिया है और पूरी जमात और अंजुमन सुन्नी है, तो अब जमा अंजुमन फैसला करे उसे क्या करना है। लेकिन ये मत समझें कि हम मुनाजरा करने से भाग रहे हैं। एक चीज इन्होंने यहाँ इकरार कर लिया कि सर जो इन्होंने जुमला सैयदना अमीर मुआविया के बारे में कहा, खुद उसका हकीकी मफहूम और उसकी तफसील नहीं जानते। अब अगर आप चंद बातें लेकर जाएं, आप किसे चाहे बुला लें, इतना टाइम चाहे अंजुमन के ऊपर, हम हर वक्त तैयार हैं। मगर एक चीज ये है कि मौजूए मुनाजरा यही रहेगा सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से। और दूसरी चीज अपने उलमा तक पहुंचा दीजिएगा, दूसरी चीज ये कि फैसले मुत्तफका कुतुब से होंगे। आप शिया किताब से दलील लाएंगे हम तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, ऐसी किताबें होंगी जो मुत्तफका होंगी, जिसे आप भी मानेंगे हम भी मानेंगे। तीसरी चीज, अब आप 11 को 15 को 18 को 20 को फिर आपने जो प्रोग्राम रख दिया, हम सब पहुंचे सारे काम छोड़कर, पता चलेगा फिर यहाँ टाइम टाइम फीस। इसलिए अगर दोबारा अगर उसमें मामला तय हुआ, आप मैं मुनासिब आपसे मुखातिब हूं, वो उन्हें अहद करना पड़ेगा कि इधर के सारे मामला के जिम्मेदार वो होंगे। और तो तीसरी चीज मैं अंजुमन से गुजारिश करूंगा कि उलमा इसी शक्ल में आएंगे जबकि आपके इनके आपसी मामला का असर हमारी जात में नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज होगी, वो शरायत में क्या होगा। हुज्जत में उनकी किताबें तो माननी पड़ेंगी, जब फिकह जाफरी के मानने वाले हैं तो हम जब फिकह जाफरी से इनके खिलाफ हुज्जत मानेंगे तो मानना पड़ेगा, वो अलग चीज होगी। बस दो तीन बातें कि दोबारा जब हमें बुलाया जाए तो इनके यहाँ फिर ये ना हो कि हमको नहीं मालूम। अगर ऐसा हुआ तो तमाम सारी चीजों की जिम्मेदारी, ट्रैवलिंग की, आने की, जाने की, जितने अखराज हुए सब इनके जिम्मा होंगे। यहाँ हमारी हाल हमारी यहाँ हाजिरी इसी बुनियाद पर हुई थी कि मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हजरत का एक मानने वाला हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत अबू सुफयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत हिमला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तारीन जहन्नमी कह रहा है। उसकी इस्लाह उसके बारे में सही दलाइल और उससे पूछा जाए कि किस बुनियाद पर ये कह रहा है, इसलिए हमारा आप हाजिर है। अब हमारे मुद्दे मुताबिक ने जब ये कह दिया कि वो शिया है, तब ऐसी सूरत में अंजुमन ये तय करेगी कि ये हजरात अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद में आएंगे या नहीं आएंगे। अंजुमन ये तय करेगी कि ये हजरात अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद में आएंगे या नहीं आएंगे। और साथ ही साथ ये जो नमाज पढ़ते हैं क्या शिया के अंदाज से पढ़ेंगे या सुन्नियों के अंदाज से पढ़ेंगे, तो ये मामला उनके साथ रहेगा। लेकिन हमारी मसाजिद अहले सुन्नत के तमाम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने खुले आम वीडियो के सामने ये बात कह दिया, मस्जिद अहले सुन्नत और जमात में बैठ कर ये कहा कि हम शिया हैं, तो इन्हें हक नहीं बनता कि हमारी मसाजिद है। और दूसरी बात यह कि ऐसे उन्हें यह हक नहीं बनता कि हमारे सुन्नी नौजवानों को यह बहाना बनाकर कि हम सुन्नी किताबों से हवाला देते हैं अपनी तरह, ये भी उन्हें हक नहीं। जब वो शिया है तो शिया की अपनी बात मानो। आपको छोटे छोटे लगे
मुसलमान मानते हैं, आपने काफी कहा, उसमें शरिया की बुनियाद पे आप ये जितने लोग हुजूर अमीर मादिया को काफी मुसलमान मानते हैं, सब आपके बकौल काफी हुए, सब आपके बकौल काफी हुए, बकौल काफी हुए। तो आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता, बल्कि रसूल का, रसूल की औलाद की ना रिश्ता खत्म हो गया, और उसकी ताजी वाजिब सब खत्म हो गया, ये शरीयत का थोड़ा गौर करो। और मैं तुमसे ये मोहब्बत आखिरी जुमला कहूंगा, गौर करो, सोचो, और सोच कर कि अगर अल्लाह हिदायत दे तो बस। ये मेरा हम बोलो उनके पांच है, पांचों बात करेंगे। क्या बात है, पांच आदमी है, जो पांच आदमी का नाम दिया, क्या नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी के गुलाम है, अलियों के गुलाम है। आप इनकी इज्जत कीजिए, इनकी भी बात सुनिए, हम सब भाई भाई हैं, ठीक है, आप इनकी बात सुनिए। अच्छा, लास्ट वक्त में एक भागने का, भागने का, भागोगे लफ्जा की बरए मेहरबानी, आप जो वक्त यहाँ देखती आप इसमें बुला के कहा है, मगर दो दिन पहले वो जो शरत अब सुन ले, अब ये सुन लो, बात तय हुए के बाद में तुम्हारे तरफ से वीडियो सारी हो रहा, कौन कौन की बच्चे बच्चे वीडियो बना को कौन कौन मालूम नहीं, एक तो तुम्हें बोल पाई, तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे मान पर क्या भी माइक 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 फाइनल फाइनल राउंड आप इजाजत है सबकी पानी से जजमेंट को फाइनल अंजुमन क्या चाहा, क्या चाह रहा, क्या करने को जा रहा वो सुनो, और किसी को भी बात करने का टाइम नहीं है, खत्म, नमाज का टाइम है, 15 मिनट बाकी है, सुने क्या क्या भी सुने, सभी हुआ अंजाम, शाम को अंजुमन आया, आगे चल को अंजुमन अदारा मुनाजिरा करना की नहीं, ये अंजुमन नहीं करेगा। पहली शर्त और दूसरा, हमारी खास मीटिंग अंजुमन के पूरे 19 मसाजिद के सदर सेक्रेटरी एंड की मौजूदगी में होगी, खुदा के घर में मस्जिद में रह करके बोलूं, वो आपको किसी को भी उठाया नहीं जाएगा, किसी उलमा को नहीं बुलाया जाएगा, आपको भी नहीं बुलाया जाएगा, क्यों,
हो सकता हमारे सवाल के जवाब में या हमारे जवाब में इन अंदर से अंजुमन वाले क्या क्या करवा ले रहे, हम ना क्या बोल डाले रहेगा, हम होकर ये करवा ले लो वो ब्राए मेहरबानी कौन भी नहीं सुनना, वीडियो चालू है, मुनाजिरा करना या नहीं करना वो अंजुमन करेगा और तय करेगा। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मसाजिद में जुमा को तहरीर आएगी, इस दुनिया को मुनाजिरा होना या नहीं होना, होना तो भी तहरीर दी जाएगी किस बुनियाद पर हो रहा, अगर नहीं होना है तो भी दिखाया जाएगा क्यों नहीं हो रहा, ये डिसेंड करके दिखाया जाएगा। ये अंजुमन का आखिरी और एक अंजुमन पूरे बाता गौर कर लिया अंजुमन मैं पूरे जिम्मेदारी है ना सबके लिए हमारे कमेटी में लेंगे, हमें ये डिसेंड कर लिया को चाहे 600 मुनाजिरा होना या नहीं होना वो बाद में करेंगे, पहले अकीदे से वाकिफ हो जाएंगे क्या सुन्नी के दायरे में रहकर बोल रही थी, क्या सुन्नी के दायरे से बाहर बोल रही थी, क्या यहाँ सुना हो जाती थी, क्या गलती से बोल दिया कि ये जो है पहले फिल्म ने दी हमें यहाँ होना, हमें ये चाहे खुदा के घर में रह करके मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, अंजुमन वाले डिसाइड कर ले, हमने कोई भी बोला बोलने दिए नहीं, हमने ऐसा करो हजरत वैसा करो हजरत, हमें ऐसा क्या भी खड़ो बने नहीं, हमें बिकने वाले भी हुए और सुनने से खरीदता भी कौन सुन्नी सुन्नी को बिकता भी का पहले बिकी जब तक बिके न थे तो कोई ये हाजिर और नाजिर अल्लाह अल्लाह के रसूल का वास्ते से बोल रही, अंजाम जो है ना 19 ऑफिस पेरेंट्स और 19 मसाजिद के सदर सेक्रेटरी है ये डिसाइड करता ये मौजू के ऊपर नाजिरा होना की क्या नहीं, और बड़े पैमाने पर कोशिश है कि सवाल को हमें की पूरे इंटरनेशनल इश्यू बनाना है, इसे एक मिनट छोटे इश्यू को इंटरनेशनल भद्रावती ले जाकर अमेरिका में बिठाना ये क्या अभी डिस्ट्रीटमेंट करना वक्ता होने का वो होना भी मुनाजिरा तो इंशाअल्लाह ताला 19 सदर सेक्रेटरियन आपको इसमें बुलाया नहीं जाएगा, नहीं मुनाजिरे के लिए मैं भी तैयार हूँ, अगर होगा तो मुनाजिरा आपको बुलाया जाएगा, और होना या नहीं होना ये आपस में हमें डिसाइड करते हैं, हमारे गांव में होना क्या कर वो अच्छा इसमें गुजारिश आज ये भी पाबंदी आप लगा दीजिए अब ये वीडियो वगैरह और दूसरी बात अलीम साहब अभी एक प्रेशर मतलब एक दूसरा फितना खड़ा होने का चांस है, इसी में सब लोग अच्छी तरह से मुजुमला में माइक बोलना चाहते हैं, वो ये के बरेलवी रजवी ये वो ये सब कुछ नहीं, हम सब अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आदमी किस पीर से ताल्लुक रखता है सिलसिले नक्शबंदी सुहरावर्दी कादरी चिश्ती, अब हम सब एक भाई अकीदा एक तमाम सहाबा जन्नती अमीर मुआविया जन्नती बाबा के मुरीदा तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है ना मामला सब अहले सुन्नत वल जमात का है, तो ये चीजें भी अब ना शुरू हो आप पाबंदी लगा शुक्रिया हजरत का, और जो है यहाँ जो है ना ऐसा कौन भी
बोलने रहा तो एनसी पे आगे। और यहाँ जो है ना हमें सुनिया ही शहरवलिया ही बंदिया ही कलंदरिया ही दसिया ही तमाम सिलासी ये पूरे सुनिया में हमें इसमें क्या जो चमकने का मंजिल नहीं है उनका पीर उनको रहबरी चुनका चाहे वो आलेपो हो चाहे वो गाजी हो वो हमारे पीरों मुर्शिद जाने हम ना उसे मापना नहीं है तुम्हारे बुजुर्ग कहते मेरे बुजुर्ग कहते वो मुझे मापने का नहीं है वो मेरी हैसियत ही नहीं है मैं खुद को कहते पानी में मई गिरी मंजे मालूम नहीं है मेहरबानी से हमें ये आला दाल देखो यहाँ में इतने माफ रख लो मंजे चमक होने का नहीं है इन्होंने बन के मंजे चढ़ाए उन्होंने रसगन चढ़ाए इन्होंने मई वो चढ़ने का आदमी ठीक किताब का मसला और अहले और हजरत मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि कौन भी वीडियो ऑडियो नहीं डालना इसके बाद ना इधर से ना उधर से कौन भी नहीं डालना अगर डाले तो कानूनी कार्रवाई होती और मैं मैं आप तमाम मसाजिद के सत्र और जो तमाम लोग यहाँ पर आए हम लोगों को यहाँ पर शहीद किया है हमारी गाड़ी हमारी साइकिल।